एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल अगेन। आज आपके साथ मैं एक बुक का रिव्यू शेयर करूंगी, वो भी एक ही टॉपिक करूंगी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि इंटरव्यू एक्चुअली कैसे देना चाहिए। बहुत सारे टाइप्स के इंटरव्यू होते हैं, तो इसमें एक ही टॉपिक है। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, आपको तो पता ही कि बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग इंटरव्यूज़ होते हैं। तो इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे नहीं देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जो इंटरव्यू दिया था, मतलब मैंने जो शुरुआत किया था, तो नॉर्मल था हम लोग का। फर्स्ट जब मैं स्कूल में गई थी एक जगह इंटरव्यू देने के लिए, पहले मुझे बहुत डर लगा, लेकिन जब मैं अंदर गई तो एक्चुअल में वहाँ पर पहचान के ऑलरेडी हमारे टीचर्स थे, जो हमारे स्टाफ के और हमारे पहचान के जहाँ हम लोग पढ़े हुए, तो वो लोगों ने हम लोग का सपोर्ट किया, तो हम लोग को इतना हार्ड नहीं लगा। और एज अ स्कूल लेवल पर इतना हार्ड नहीं होता है, सम टाइम लाइक होता है हार्ड, बट इफ़ कोई जाता है जैसे कि इंटरनेशनल स्कूल वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर बहुत हार्ड होता है। उसका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसका किस्सा। बट फर्स्ट जो मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, मुझे डर लगा था, बहुत डर लगा था, क्या होगा, कैसे बोलना है, तो इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में नहीं। हम लोगों को वहाँ पर सपोर्टेड ऑलरेडी टीचर्स और जो ट्रस्टी थे वो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और फिर बाद में हम लोग ने क्रैक कर लिया। बहुत ही ईजी था और फाइनली हम लोग को मुझे जॉब मिल चुकी। तो इंटरव्यू बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। एवरी इंटरव्यू बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के जो मेथड होते हैं अलग अलग होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि इंटरव्यू के अलग अलग मेथड कौन से होते हैं। कभी फेसिंग इंटरव्यू होता है, फेस टू फेस होता है, कभी कॉलिंग होता है, ओनली कॉलिंग पे बात होती है, या तो एक तो कॉलिंग भी होता है और एक तो फेस टू फेस तुम वीडियो कॉलिंग पर बात भी करते हैं विद, अगर जहाँ तुम दूर नहीं जा सकते, ठीक है। इफ़ यू कांट गो लाइक फ्रॉम योर होम और टू द कंपनी और एनी वेयर, सो दैट टाइम वो वाले आपको कॉन्फ्रेंस वाले, एज अ कॉलिंग वाले, एज अ वीडियो कॉल वाले, ये वाले आपको इंटरव्यू मिलते हैं। बट द अदरवाइज इवन थ्रू देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। अब ये तो आपको पता ही है, इसकी बेसिक गाइडलाइन क्या है। बेसिक गाइडलाइन के लिए आपको थोड़ी कुछ तो कुछ स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, कैसा उसको एक्चुअल में देना चाहिए। इंटरव्यू आर क्विट सिमिलर, है ना, सिमिलर कैसा होता है, मतलब एकदम खामोशी से होता है, बट द अदरवाइज उसका जो जोरों शोर है, जब आपको जॉब लग जाती है तो फिर कैसा आपको फील होता है। तो लाइक दैट जो फर्स्ट है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द इंटरव्यू। और द बेसिक गाइडलाइन क्या है, स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज टू गेट द आइडिया और द ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच यू विल असिस्ट। तो जो आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू कैसा होगा, कैसे नहीं देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, क्या क्या उसके लिए गाइडलाइंस है, क्या रूल्स है, तो आपके साथ वही मैं शेयर करूँगी। तो आप मुझे थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी आपके साथ, एक साथ मुझे भी नहीं होगा, बिकॉज आपको तो पता ही है कि मेरी ट्यूशंस वगैरह है, तो उसी के साथ साथ मेरी बुक्स है, मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, मैं तो सोची बुक का ही रिव्यू करती जाऊँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है, और इसी के साथ साथ मैं कुछ नया नया लेने की कोशिश करूँगी, व्लॉग तो मैं बनाने की कोशिश ही करूँगी। और ये मत सोचिएगा कि पता नहीं क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे, तो अकॉर्डिंग टू जितना मुझे नॉलेज है मैं वही दे सकती हूँ, और मुझे कुछ दिखावा नहीं करना है, बिकॉज इट्स अ सोशल मीडिया, सो आई डोंट वॉन्ट टू शो माई फेक, मतलब मुझे कुछ भी फेक नहीं देना है। जो मैं हूँ, नॉर्मल जो मैं हूँ ना, जो दिख रही हूँ वही आपको दिखाऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।